हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन कि एमआर में सीक्वेंस को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बेसिकली इस वीडियो में हम एमएसके में सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन सीखने वाले हैं कि किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक शॉर्ट वीडियो है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे हम किसी भी सीक्वेंस को जब भी आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें तीन चीज उसमें बिल्कुल देखनी होगी। क्या? एक तो बोन, क्लियर, एक मसल्स, फैट एंड फ्लूइड। तो चार हो गया है। क्या क्या हो गया? एक तो बोन, एक मसल्स, फैट एंड फ्लूइड। ये लिख लो, नोट कर लो। जब भी हम किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो बोन देखेंगे, उसके मसल्स देखेंगे, फैट देखेंगे एंड फ्लूइड देखेंगे। तो एक एक करके इसमें कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने टीचिंग फिल्म बनाई हुई है तुम लोगों को सिखाने के लिए। जैसे पहला सीक्वेंस है ये, तो अभी हमें इसका नाम नहीं पता, हम बस देख रहे हैं कौन सी चीज कहाँ है। भाई इसमें देखते हैं, जैसे ये कोई सीक्वेंस है, यहाँ से ये पूरी लाइन एक है, ठीक है। ऐसे मैंने एक दो तीन चार पाँच, पाँच सीक्वेंस बनाए हुए हैं इसमें। तो देखते हैं, जैसे ये बोन है, इस बोन का सिग्नल देख रहे हैं, ये नॉर्मल बोन जैसे वाइट जो बोलते हैं ऐसी आ रही है। यहाँ पे ये बोन कैसी होगी है, डार्क ग्रेनी है, यहाँ पे हल्की वाइट है, यानी हल्का ग्रेनी बोल सकते हो, यहाँ पे डार्क हो गया और यहाँ पे ग्रेनी है। तो देख रहे हो, मतलब अलग अलग सब में सिग्नल अलग अलग सिग्नल आ रहा है। अब मसल्स, तो हमें मसल्स का पता होना चाहिए कि इमेज में मसल्स है कहाँ पे। तो ये मसल्स होते हैं ये, ठीक है। अब इस मसल्स को देखो, ये मसल यहाँ पे देखो ग्रेनी है, यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ हल्का है मतलब हल्का ग्रेनी है, यहाँ पे हाइपर ब्राइट हो गया मतलब ग्रेनी ब्राइट भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे देखो डार्क हो गया। तो ऐसे हमें अलग अलग पहले देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसी दिखती है। अब फ्लूइड देखो, इसमें क्या है, जो फ्लूइड कहीं भी हमें फ्लूइड जो दिख रहा है वो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड कैसा आ गया, व्हाइट व्हाइट है, यानी कि ब्राइट भी बोल सकते हैं इसको। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, ये भी ब्राइट है, ये भी ब्राइट है, लेकिन वो हाइपर ब्राइट है, मतलब थोड़ा ज्यादा चमक रहा है इसके मुकाबले में। अब ये और ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा चमक रहा है, और इसमें देखो, इसमें लगभग दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखते हैं फैट। तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में या इस इमेज में फैट कहाँ पे होती है। अब देखो जॉइंट्स में फैट बहुत कम मिलता है हमें, है ना। तो देखो फैट देख लेते हैं। देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट, ये व्हाइट, ये फैट है। हमने क्या देखा, पहले बोन, मसल्स, फ्लूइड एंड फैट। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इस इमेज में या इस इमेज में फैट वाला पोर्शन कौन सा है या कहां पे फैट है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। T1, T2, PD, PDF पहले बाद की है चीज। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इमेज में फैट कहाँ है, बोन कौन सी है, मसल्स कौन से, और फ्लूइड की लोकेशन क्या है। तो ये है फैट, ये देखो ये रहा फैट, ठीक है, ये फैट है, इसमें ये रहा फैट, ठीक है, और इसमें फैट ये रहा, और इसमें जो है फैट ये रहा, ठीक है, और इसमें फैट ये रहा, क्लियर। फैट, तो फैट इसमें कैसा है, ब्राइट है, व्हाइट है, इसमें हल्का व्हाइट है, इसमें नॉर्मल व्हाइट है, इसमें देखो काला हो गया। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हल्का सा क्या है, इसमें मतलब ग्रेनी है, ठीक है। चलो तो अब हम रेडी हो जाते हैं। अब हमें याद करना होगा कि वे T1 में फैट ब्राइट है, और T1 में फ्लूइड काला है, और बोन व्हाइट है, मसल्स ग्रेनी है। ये एक चार्ट बना लो या आप इनको याद कर लो। याद करने के बाद में जो भी पिक्चर आपके सामने कहीं भी इंटरव्यू पे लगा, ऐसे इंटरव्यू में पिक्चर लगा देते हैं, बताओ भाई कौन सा सीक्वेंस है, तो आपको पहले माइंड में वो रीड करना होगा। तो फिर वो जो रीड किया है फिर आपको यहाँ देखना होगा। अब ऐसा नहीं है बोन देख ली बता दिया T1 है, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे ये है और ये है, देखो दोनों सेम, बोन तो दोनों में सेम आ रही है, इसमें और इसमें। तो एक चीज को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो कम से कम तीन या चार चीज आपको मालूम होनी चाहिए इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए MRI में, क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं, ये जो पहला एक दो तीन, ये तीनों इमेज T1 सीक्वेंस की है। क्यों है T1 की, अब हम प्रूफली देख लेते हैं कि T1 में फैट हमें कैसा दिखता है, सॉरी T1 में बोन कैसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट। तो T1, अब हमें क्या मिलाना है, फ्लूइड, फ्लूइड भी काला है इसमें,
और अब मिलानी है फैट, फैट इसमें वाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस कौन सा बनने वाला है, T1, और लास्ट में हम देख लेंगे क्या मसल्स, तो ये सीक्वेंस कौन सा हो गया T1। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहले याद कर लो हर एक सीक्वेंस की तीन चीज आप नॉर्मली याद कर लो, ठीक है। अब इसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहले बॉन। तो जब आप कहीं भी फर्स्ट टाइम या फर्स्ट इंटरव्यू में जाओ कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज देख लिया इसमें और इसमें, आपको लगेगा कि ये तो वाइट आ रही है, बॉन तो T1 हो गया, T1 नहीं। अब इसके कंपैरिजन क्या देखेंगे हम, फ्लूइड, फ्लूइड चेक करेंगे, तो फ्लूइड कैसा हो गया, सफेद, यानी कि ये T1 तो है ही नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं मसल्स, मसल्स कितना इसमें डार्क है, ठीक है, तो अब ये कौन सा सीक्वेंस बन जाता है T2, क्योंकि हमने पढ़ा है, याद किया है हमने कि T2 में फ्लूइड वाइट है, मसल्स डार्क है और बोन ग्रे है और फैट वाइट है। यदि आप एक चीज देखो एग्जांपल, यदि आपने एक या दो चीज याद की तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, देखो T2 और T1 दोनों में फैट ब्राइट है। सपोज करो आपने दो चीज याद कर ली, बोन और फैट, दो चीज मालूम है आपको, तो दो दोनों चीज तो इसमें सेम आ रही है, इसमें और इसमें, और इसमें ये रहा बॉन फैट, बॉन फैट, T1 और T2 में सेम ही है लगभग। तो अब हम कंपैरिजन किस चीज से करेंगे, फ्लूइड से, फ्लूइड से, क्लियर। तो इसमें देखो लो फ्लूइड और इसमें, फ्लूइड और मसल्स में बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंशिएशन है, क्लियर। T2 समझ में आया, T2 में डार्क है, मसल्स फ्लूइड ब्राइट है, अब ये बोन है, आप इसको थोड़ा क्या बोल सकते हैं, T1 के कंपैरिजन में कम ब्राइट है, कम ब्राइट, ठीक है। ये सीक्वेंस 1, 2, 3 तीनों रो किसकी होगी है, इमेज T2 की। अब आते हैं किस पे हम, PD, सिंपल PD, ये है वो सिंपल PD जो हम बोलते हैं ना जब हम पढ़ाते हैं, PD इज इक्वल टू T1, मतलब पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में, हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा PD इज इक्वल टू T1 क्यों होता है, अभी आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। PD और T1 में देखो डिफरेंशिएशन क्या है, इसका बोन और इसका बोन सेम लग रहा है, इसका फैट और इसका फैट सेम लग रहा है, मसल्स देखो क्या लग रहा है, सेम। अब डिफरेंशिएशन कौन करेगा इसमें, फ्लूइड, ये देखो फ्लूइड इसमें क्या है, ब्राइट है, ब्राइट। इसके कंपैरिजन T2 के कंपैरिजन में देखो कम ब्राइट है और मसल्स कम डार्क है, क्लियर। ये हो गया PD। अब जैसे स्टूडेंटों को समझ नहीं आता कि PD में FS लगाने से क्या हो जाता है, तो सीक्वेंस बन जाता है क्या, PDFS, PDFS बन जाता है ना, वो देखो ये सीक्वेंस PD है और इसी सीक्वेंस में मैंने ऐड कर दिया FS, तो FS लगाने से क्या हुआ, एक तो जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया, जो फैट थी, ये जो फैट है, ये फैट कैसा हो गया, काला। तो किसी भी सीक्वेंस में जब भी हम FS ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, फैट काला हो जाता है। मसल्स देखो, मसल्स में भी क्या हो गया, थोड़ा हाइपर ब्राइट हो गया इसके कंपैरिजन में, मतलब कम जो ग्रेनिश हो गया है, इसमें डार्क ग्रेनी, इसमें लाइट ग्रेनी, लाइट। तो ये क्या बन गया, PDFS। तो PDFS में क्या होता है, बोन डार्क, देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, बोन क्या है, डार्क है, फ्लूइड हाइपर ब्राइट है, मसल्स लाइट ग्रेनी है, और फैट क्या है, काला, ठीक है। अब आ जाते हैं ईस्टर सीक्वेंस पे, ठीक है, ईस्टर, ये ईस्टर सीक्वेंस है, ईस्टर में और PDFS में कंपैरिजन करो, बहुत माइनर सा कंपैरिजन मिलेगा। देखो सिग्नल, देखो फ्लूइड का सिग्नल सेम है, बोन का सिग्नल देखो, बोन इसमें हल्का ग्रेनी है इसके कंपैरिजन में, क्लियर। मसल्स देखो, मसल्स इसमें थोड़ा डार्क है, और इसमें देखो ये जो फैट है भाई, ये ईस्टर सीक्वेंस है, ईस्टर में फैट क्या बोलते हैं, फैट सप्रेशन सीक्वेंस है, काला। अब काले का मतलब वो ऐसा काला नहीं हो जाएगा जैसे ये है, हल्का ग्रेनी, मतलब देखो इस टाइप से देखो, क्या देखो, अब इसको क्या बोलेंगे, व्हाइट नहीं बोलेंगे, फैट व्हाइट है इसमें, तो इतना फैट काला नहीं हो जाएगा इसमें, मतलब ऐसे नहीं दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा फैट, बिल्कुल इसको फैट को क्या ही बोलेंगे हम, ये फैट डार्क, डार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन। तो MR में जब भी किसी भी सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको चार या तीन चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए, बोन, हेड, मसल्स एंड फ्लूइड।
चार्ट बना लो, चार्ट बना के लिख लो, बार बार उसको याद करो और देन उसको आइडेंटिफाई करो। अदरवाइज आपको क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, टी आर देख लो और टी ई देख लो। टी आर देख के बता दो वो टी वन है, ये बता दो टी टू, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकली सीखो भाई, किसी ने जैसे मैंने एनोटेशन हटा दिया, इस पर एनोटेशन नहीं है, इसको तो नहीं लिखा टी आर टी ई, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो पढ़ो और उनको याद करो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। अब इसमें एक चीज और बता दें, जैसे हमने जब पैथोलॉजी हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमने बोला था टी वन इज इक्वल टू पी डी, तो पैथोलॉजिकल रेफरेंस में सेम आता है, तो उसका आएगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।